नमस्कार, आप देख रहे हैं टाइम्स न्यूज और मैं हूं आपके साथ कंचन। देर रात इंदौर के कोतवाली थाना क्षेत्र में एक व्यापारी की दुकान की चटर के ताले तोड़कर कुछ अज्ञात बदमाश लगभग 75,000 नगद और 2 लोअर और टी शर्ट के कार्टून चुरा कर ले गए। हालांकि पुलिस ने मामला पंजीबद्ध कर जांच शुरू कर दी है। इधर जांच अधिकारी ने 23 नवम्बर को फरियादी नितेश अग्रवाल द्वारा रिपोर्ट दर्ज कराई कि उसकी दुकान की शटर का ताला तोड़कर अज्ञात बदमाश नगद केस 74,000 2 कार्टून चोरी कर ले गए हैं, जिसका प्रकरण पंजीबद्ध करके जांच शुरू कर दी है। बताया जा रहा है कि व्यापारी के यहाँ कैमरे लगे हुए थे, लेकिन वो रात में जब घर जाता था तो सीसीटीवी कैमरा ऑफ करके जाता था, जिसके कारण जांच प्रभावित हो रही है। काजुन में लोअर टी शर्ट बताया जा रहे हैं। आया है सर, क्या है पूरा मामला? इसमें क्या है, दिनांक 23/11 को जो है जो नितेश अग्रवाल उसने रिपोर्ट की है, तो उसका शटर का ताला तोड़कर जो है अज्ञात बदमाश जो है नगद केस 74,000 और 2 कार्टून चोरी करके ले गए। क्योंकि फरियादी को जो है रात्रि गश्त जो कर्मचारी थे उनके द्वारा जो है उसको अवगत कराया गया और रात में ही बुला के जो है उसकी देख रेख कराई गई थी। उसकी रिपोर्ट पे से जो है प्रकरण पंजीबद्ध करके इन्वेस्टिगेशन किया। सर, सीसीटीवी फुटेज कुछ सामने आए? नहीं, सीसीटीवी फुटेज क्या, उसके यहाँ लगे हुए थे कैमरे, किंतु वो रात में जब शटर बंद करके जाता था तो कैमरे ऑफ करके जाता था। ठीक है, टोटल कितने की हुई सर चोरी? उसके विवेक के अनुसार जो है 74,000 के करीब उसने बताया है और 2 कार्टून है, कार्टून में जो है लोअर और टी शर्ट होना बताया है। जब बिल प्रस्तुत करेगा उसके अनुसार जो है उसका आकलन किया जाएगा। ठीक है, टाइम न्यूज देखिए अब आपके मोबाइल और स्मार्ट टीवी पर लाइव प्ले स्टोर से डाउनलोड करें।